हेलो गाइस, आप सभी का बालक की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है वेज सैंडविच बनाना, तो आइए बनाते हैं वेज सैंडविच। वेज सैंडविच बनाने के लिए ये हमने एक प्याज को बारीक कट कर लिया है, थोड़े से पत्ता गोभी को भी कट कर लिया है, आधी शिमला मिर्च को का कट कर लिया है और एक गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये मैंने 2 चम्मच केचप सॉस लिया है, 3 चम्मच मैंने मलाई और 3 चम्मच मैंने मेयोनीज ली है और ये मैंने ब्रेड लिए हैं। तो आइए बनाते हैं वेज सैंडविच। अब मैं इसमें ये सारी सब्जियों को डाल दूंगी। ये मैंने सारी सब्जियां डाल दी हैं इसमें और अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालूंगी और पौना छोटा चम्मच स्पून ये मैं नमक डाल रही हूँ, क्यूमोनी में भी नमक होता है। और इसको अब मैं मिक्स कर लेती हूँ। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको ब्रेड पे लगाऊंगी। अब मैंने इस ब्रेड पे लगाऊंगी, अच्छे से फैला लिया है मैंने इसे। ये मैंने ब्रेड पे अच्छे से फैला दिया है और अब मैं इसके ऊपर दूसरी ब्रेड रखूंगी। इसी प्रकार मैं दूसरी ब्रेड पे भी लगाऊंगी। ये मैंने एक ब्रेड और ले ली है, इस पे भी मैं फैला दूंगी अच्छे से। अब फिर से मैं इसके ऊपर एक ब्रेड रख दूंगी और अब मैं इनको सेक लेती हूँ। ये मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया है, साथ में घी को भी मैंने गरम कर लिया है। अब मैं तवे पे थोड़ा सा घी लगा लूँगी। अब मैं इसमें से एक एक करके ब्रेड को तवे पे रख दूँगी। मैं दोनों सैंडविच को सेकने दूंगी और इस साइड भी मैं घी लगा लेती हूँ इस पे। अब मैं इसे क्रिस्पी होने तक सेकूंगी ब्रेड को और अब मैं इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ। ये देखो कितने अच्छे से सिक रहे हैं। गैस को हमें मीडियम ही रखना है, मैंने गैस को स्लो पे ही रखा हुआ है। और देखो कितने अच्छे से क्रिस्पी सिक कर तैयार हो रहे हैं। और ये हमारे ब्रेड देखो कितने क्रिस्पी बनकर सैंडविच तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको कट कर लेती हूँ। एक सैंडविच को उठाऊंगी और मैं चाकू की मदद से इनको कट कर लूँगी। ये देखो कितने अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं और इसी प्रकार से मैं अपना तो दूसरा सैंडविच भी तैयार कर लूँगी। मैं कट कर लेती हूँ कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है तवे पे हमारा सैंडविच। ये हमारे वेज सैंडविच बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।